मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट बैंक सत्ता की चाबी रहा है। यही कारण है कि भाजपा और कांग्रेस का फोकस हर बार की तरह इस बार भी राज्य में आदिवासियों के लिए आरक्षित 47 सीटों पर है। आदिवासी समाज को अपने पाले में करने के लिए दोनों ही दलों के क्या है प्रयास, आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। बरसों से मध्य प्रदेश की राजनीति में आदिवासी वोट बैंक किसी भी दल को राज्य की सत्ता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। लंबे समय तक आदिवासी वोट बैंक मध्य प्रदेश में कांग्रेस का रहा, लेकिन समय के साथ इसमें परिवर्तन भी देखने को मिला। आंकड़ों के जरिए समझे तो साल 2003 के चुनाव में मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए आरक्षित 41 सीटों में से 37 पर भाजपा को जीत मिली थी, जिसका नतीजा ये हुआ था कि 10 साल की कांग्रेस की दिग्विजय सिंह की सरकार सत्ता से बेदखल हो गई थी। साल 2008 में परिसीमन की वजह से राज्य में आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटें 41 से 47 हो गई। इसके बाद भी आदिवासी वोटर भाजपा के साथ खड़ा दिखाई दिया। भाजपा को 47 में से 29 सीटों पर जीत मिली और कांग्रेस सत्ता से बाहर ही रही। साल 2013 के चुनाव में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने में भी आदिवासी मतदाताओं की बड़ी भूमिका रही। भाजपा को 47 में से 31 सीटों पर सफलता मिली और शिवराज सिंह चौहान तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन साल 2018 में इस वनवासी वोटर ने कांग्रेस का वनवास खत्म करने में भी अहम भूमिका निभाई थी। 2018 में आदिवासियों के लिए आरक्षित 47 सीटों में से कांग्रेस को 30 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि भाजपा को 16 सीटें और एक सीट निर्दलीय के खाते में गई और सत्ता कांग्रेस के हाथ आई। इस बार भारतीय जनता पार्टी छिटके हुए आदिवासी वोट बैंक को अपने पाले में करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। भाजपा के मुताबिक उसने पैसा नियम लागू कर वनोपज का उचित दाम दिलवाने के साथ केंद्र और राज्य की योजनाओं के जरिए आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाया है। भाजपा ये भी कह रही है कि पिछली बार कांग्रेस ने आदिवासी समाज को भ्रमित किया था, लेकिन इस बार वो कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों के विकास का ध्यान रखती है, उनके लिए नीतियां बनाती है, क्रियान्वयन करती है। वोट बैंक की राजनीति कभी हमारा ध्येय नहीं रहा। सामाजिक समरसता, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का लक्ष्य हमने रखा है और हमारी कोई भी किसी भी तरह की योजना किसी एक पक्ष की तरफ झुकी हुई नहीं थी। अनुसूचित जनजाति का वर्ग भी इससे अछूता नहीं था। वहीं कांग्रेस भाजपा पर आदिवासियों के अधिकार छीनने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस के मुताबिक भाजपा की सरकार ने SC ST एक्ट और पैसा एक्ट को कमजोर किया है। इसके साथ ही कांग्रेस भाजपा सरकार में आदिवासियों पर अपराध और अपमान की घटनाओं में वृद्धि के भी आरोप लगा रही है। SC ST एक्ट काफी कमजोर हो गया, उसमें आपको आसानी से जो है बेल मिल जाती है। हमारे समय में ये नहीं होता था। आज आरक्षण, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर हर जगह लागू किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, तो आदिवासी समाज की जो रिप्रेजेंटेशन की सीट्स हैं उनको रोजगार में नुकसान हो रहा है। पैसा एक्ट 98 में दिग्विजय सिंह जी की सरकार रहते हुए लागू किया गया था, उसमें डाइल्यूशन हुआ, हर जगह इनको अपनी जमीन से विमुक्त किया जा रहा है। हालांकि आदिवासी क्षेत्र की जनता के मुताबिक क्षेत्र में शिक्षा, रोजगार और पलायन बड़ा मुद्दा है। हमारे इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आदिवासी समाज जन भी ऐसे विधायक से अपेक्षा करते हैं जो किसान के हितों की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। यहाँ पे बड़े पैमाने पर पलायन होता है। ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं, ट्राइबल क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो यहाँ से अन्य राज्यों में मजदूरी के लिए जाते हैं। पलायन एक सबसे बड़ी दिक्कत है, उसके लिए उद्योग धंधा, उद्योग रोजगार लगाए, ऐसे विधायक की यहाँ पे जरूरत है। आपको बता दें कि देश में सर्वाधिक आदिवासी आबादी वाला राज्य झारखंड या छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि मध्य प्रदेश है, लिहाजा यहां आदिवासियों को लेकर सियासत भी खूब होती है। मध्य प्रदेश की कुल आबादी का 21% इसी समुदाय से है, लेकिन मौजूदा विधानसभा चुनाव पर निगाह डालें तो एक अजीब बात सामने आती है। सुबह की आरक्षित सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने के लिए उम्मीदवारों में उत्साह सबसे कम है। हालांकि कुछ जानकार इसे जनजातीय क्षेत्र में चुनावी साक्षरता की कमी मान रहे हैं, तो कुछ ये भी कह रहे हैं कि ये स्थिति मतों का विभाजन कम करने के लिए बनी है, लिहाजा ये आदिवासी मतदाताओं में ज्यादा समझ का भी सूचक है। मध्य प्रदेश की कुल आबादी में से 21% आदिवासियों की संख्या है और उनके लिए विधानसभा चुनाव में 47 जो सीटें हैं आरक्षित हैं,
और इन आरक्षित सीटों पर अगर हम उम्मीदवारों पर नजर डालें तो जो अभी प्रारंभिक आंकड़े आ रहे हैं उसमें उम्मीदवारों की संख्या बहुत कम है। कुछ लोगों का मानना है कि इसमें आदिवासियों में राजनीतिक जो है जागरूकता की कमी है, इस कारण से उम्मीदवार कम संख्या है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यह वनवासी जो आदिवासी मतदाता हैं उनकी जागरूकता को प्रदर्शित करता है। आदिवासी वोट बैंक की महत्वता भाजपा और कांग्रेस बहुत अच्छे से जानते हैं और यही कारण है कि चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले ही चाहे प्रधानमंत्री मोदी हों, गृह मंत्री अमित शाह हों या फिर कांग्रेस के आला कमान कई दौरों और सभाएं अब तक जनजातीय क्षेत्रों में कर चुके हैं। डीडी न्यूज के लिए भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट।